ओके, तो आज हम कुछ टिप्स सीखेंगे जो हमारे सिलाई के सामानों को अरेंज या मैनेज करने के लिए बहुत यूज़फुल होती हैं। तो माय फर्स्ट टिप इज़ जो हम हमारी धागे की गिट्टियों को रखते हैं इस तरह से। तो आप देखते होंगे इनको निकालने में हमें बहुत प्रॉब्लम आती है, उलझ जाती है एक दूसरे में और इस तरह हो जाती है। सो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको अपनी गिट्टियों को सबसे पहले अलग अलग कर लेना है। जब आप गिट्टी अलग कर ले तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक टेप का पीस लेना है इस तरह से एंड इसको यहाँ पे चिपका देना है। सो आपकी गिट्टियों से धागा नहीं निकलेगा और ये आपस में उलझेंगी नहीं। इसी तरह आप अपनी सारी गिट्टियों को अरेंज करके रख सकते हैं और ये आपस में उलझेंगी भी नहीं। ओके, तो आप देख सकते हैं मेरी गिट्टियाँ आपस में उलझेंगी भी नहीं और इन्हें मैं अच्छे से जमा के रख सकती हूँ। मेरी सेकेंड टिप ये है कि जब भी हमको गिट्टियों का यूज़ करना होता है, हमें उनको इस तरह से अगर वो रखी हो तो हमें उन्हें पूरा निकाल कर और खोल के देखना होता है। तो अगर आपके पास कोई गिट्टियों को अरेंज करने वाला जो बॉक्स आता है वो नहीं है तो आप उसे घर पे भी बना सकते हैं। इसके लिए मैंने ये बॉक्स लिया है, इसे मैं इस कलर पेपर से रैप कर लूँगी ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। आप अपनी गिट्टियों की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कोई भी बॉक्स ले सकते हैं और उसको सुंदर दिखने के लिए इस पे कलर पेपर से रैप कर दीजिए या फिर आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो कलर पेपर से रैप करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, खोल के दिखा देते हैं आपको। लेकिन आप ध्यान रखिए कि आपको बॉक्स इतना ऊंचा लेना है कि उसमें गिट्टी आराम से फिट हो जाए और ऊपर ना निकले। ओके, और इसको अब हम इसमें अरेंज के लिए इसमें हम पेपर से इसके अलग अलग पार्ट करेंगे। अब पार्टीशन करने के लिए आपको ऐसे थोड़े हार्ड पेज की ज़रूरत पड़ेगी। अब जो भी हमने मेज़रमेंट लिया है उसको हमको इस पे बनाना है, उसको काटना है। अब हम इस बॉक्स की लंबाई नापेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें जो इसकी गहराई है वो 6.5 सेंटीमीटर है। और ऐसे में इस बॉक्स, जहाँ से ये बॉक्स खुलता है यहाँ से इसकी हम लेंथ देखेंगे तो ये 7 सेंटीमीटर के समथिंग है। आप अपने पेज पे 5 सेंटीमीटर यहाँ से और 7 सेंटीमीटर इस तरह से इस शेप में इसको काट लीजिए। ये हमारा 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा था पर हमने 5 इसलिए लिया है ताकि आप ऊपर से गिट्टियों को इजीली निकाल सकें। आपको ऐसे 6 पीसेस का कर लेना है एंड एक पीस पे ऐसे लाइन ड्रॉ करना है, 1 2 3। इस लाइन ड्रॉ को आपको हाफ यहाँ तक नीचे से काट लेना है, ऐसे आपको सारे पीसेस में करना है। इस तरह से आपको इसको काट लेना है। देखिए, क्योंकि मेरी इसमें बॉक्स में 4 गिट्टियाँ रखने का स्पेस था इसलिए मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। अगर आपके बॉक्स में ज़्यादा स्पेस है तो आप उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कीजिए। आपको इसको हाफ ही काटना है, फुल नहीं काटना है, याद रखिएगा। और सेम इसी तरह से आप इन 6 पीसों को काट लीजिए। इस तरह काटने के बाद आपको इनको इस तरह से एक दूसरे में फंसाना है। तीनों लाइनों में एक एक इस तरह से एंड सेम इसी तरह से दूसरे में फंसा देंगे। देखिए, अब 1 2 3 आपको इधर भी फंसाना है। पूरा बनने के बाद ये कुछ इस तरह से लगेगा। अब आपको इसको अपने बॉक्स में फिट कर लेना है। बॉक्स में फिट करने के बाद ही ऐसा लगने वाला है। अब इसमें आप अपनी गिट्टियाँ जमा सकते हैं। मैं आपको एक गिट्टी जमा के बता देती हूँ। इसी तरह आप अपनी सारी गिट्टियाँ जमा सकते हैं। जब आप इस बॉक्स में पूरी गिट्टियाँ जमा लेंगे तो ये ऐसी लगेगी। अब हम इन गिट्टियों का कलर भी इजीली देख सकते हैं और इनका यूज़ भी आराम से निकाल कर सकते हैं, उनको वापस अपने प्लेस पे रख सकते हैं। अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लगी हो तो इनको प्लीज़ ट्राई करके देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।